नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा पूरे चक के खाते कैसे देखते हैं अपने। क्या करते हैं, जमाबंदी कोई डाउनलोड करनी होती है या कोई देखते हैं तो सबसे पहले खाता नंबर मांगते हैं। खाता नंबर आपको मालूम नहीं होता या भूल जाते हैं, खाता नंबर हर 4 साल बाद चेंज हो जाता है। तो आपको खाते कहाँ से देखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। खाते देखने के लिए आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर खोल लेना है या कोई दूसरा ब्राउजर खोल लेना है। उसमें ऊपर सर्च बार में लिखना है जन सूचना। जन सूचना लिखोगे तो आपके पास जन सूचना पोर्टल आ जाएगा। ये जन सूचना पोर्टल आ गया है, इस पे आप क्लिक करना। क्लिक करोगे तो ये जन सूचना पोर्टल यहाँ से ये हटा लेना ऊपर से, और नीचे यहाँ आओगे, यहाँ ये जो निशान सा बना हुआ है यूं तीर से, इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इंग्लिश है या इंग्लिश में या हिंदी में, हिंदी में दोनों में किसी में देख सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको रिवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है। यहाँ सर्च बार में आपको लिख देना है गिरदावरी। जैसे ही आप गिरदावरी लिखोगे, गिरदावरी लिख के आप इसको सर्च पे कर देना। सर्च होके ये डिपार्टमेंट आपके पास आ जाएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये लिखा हुआ है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आप इसको खोल लेना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खोलोगे तो आपको कॉपी ऑफ गिरदावरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कॉपी ऑफ जमाबंदी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू मैप, ये दो तीन ऑप्शन आएंगे जमाबंदी नाम से कैसे। तो आपको ये गिरदावरी वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। अब आगे ये पेज खुल के आ जाएगा, इसमें आपको जिले का चयन करना है। मैं जैसे जिला लिख देता हूँ, कोई आपका जो जिला है वो भर देना आप, जो भी जिला हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी जिला हो आपको वो भर देना है। और जिला भरने के बाद ये तहसील पूछेगा, मैंने जिला फिल कर दिया है, और इसके बाद तहसील भी फिल कर देनी है। और फिर और इसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा आपको चयन करें फसल का, या जो भी फसल जिस सन की देखने चाहते हो गिरदावरी, उस सन का भर देना। मैं अभी 2021 या 20 जो भी लिखना हो उसमें आप लिख देना। ये लिखा हुआ है रबी की जायदाद, खरीफ, रबी, जायदाद, ये इसमें जो फसल की गिरदावरी है वो किसी भी कर देना। आपने तो वो खाता नंबर देखना है, मैं यहाँ इस पे कर देता हूँ 20 पे। और इसके नीचे दो आएंगे खोजें, सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे क्या आएगा, अब इसमें ये पेज खुलेगा, उसमें पूरे चक का खाता नंबर होंगे। जो चक आपने पहले, मैंने एक बनाया है मैप का नक्शा, उसमें चक दिखाया गया है, वो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वो देख सकते हो आप। इसके बाद आपका ये पेज खुल के आएगा, इस पेज को मैं दिखाऊं आपको तो इसको देखना। इस पे यहां पे लिखा हुआ है खाता संख्या, दिखा रहा हूं मैं, यहां पे लिखा हुआ है खाता संख्या, ये खाता संख्या है और ये पुराना खाता संख्या है। खातेदार की जानकारी, यहाँ खातेदार का नाम होगा। अब इसमें जाओगे, ये टोटली आपके चक के जितने भी खातेदार हैं, आपका खाता और आगे नाम लिखा होगा, आप वो नाम चेक कर लेना किस नाम से है। इसमें नीचे आगे 1, 2, 3, 4, 11 पेज हैं आपका। इस पेज में ये 10 10 10 के कॉलम आ रहे हैं, इन 10 10 के कॉलम में आपको देखना है, क्योंकि शो 10 एंट्री शो कर रहा है ये। तो 10 एंट्री में आपको क्या करना है, इसमें देखते जाना है, आपका नाम देखते जाना है। मुस्त्र का खाता है तो मुस्त्र के खाते में आ जाएगा। फिर आगे कोई पेज देखना है तो आगे पेज दबा देना, जैसे मैंने ये दबाया, वो आगे वाला पेज आ जाएगा। और उसमें जितने भी हैं खाते, तो अब इसमें देख लो कई खाते बड़े हैं जिसमें कई नाम हैं, इसमें ये बहुत बड़ा खाता है इसमें कई नाम हैं, तो सारे के सारे नाम और उनका खाता नंबर ये है। ठीक है, ये खाते आप देख सकते हो इस प्रकार, ये खाता देख लेना। और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको जिस खाते से हो आगे अधिक जानकारी में क्लिक कर देना, आपकी गिरदावरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।